हिंदी, भोजपुरी, साउथ समेत अन्य भारतीय भाषाओं की सैकड़ों फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता और सांसद रवि किशन अब देशभक्ति से सराबोर नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसका नाम 1922 प्रतिकार चोरी चोरा। यह फिल्म 30 जून को देश भर के थिएटरों में रिलीज हो रही है। रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं और इस फिल्म का केंद्र बिंदु यूपी के गोरखपुर के पास स्थित चोरी चोरा स्टेशन है। फिल्म आजादी की लड़ाई के दौरान घटित सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म 1922 प्रतिकार चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती अयोध्या के साथ साथ उस ऐतिहासिक घटना के मूल स्थान पर ही शूट हुई है, ताकि फिल्म का जीवंत प्रदर्शन हो सके। इस फिल्म में रवि किशन के साथ ममता जेठवानी, अनिल नागरथ, अशोक बोटिया, अनुराधा सिंह की भी कई अहम भूमिकाएं हैं। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को बेहद पसंद आया है। हर बार की तरह रवि किशन इस फिल्म में भी अपनी भूमिकाओं से सबको आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों पर फुल फ्लेज रवि किशन की बनी पहली फिल्म है। इस वजह से वे इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और अपने फैंस व देशभक्तों से उन्होंने इस फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर देखने की अपील भी की है। फिल्म को लेकर रवि किशन पहले ही कह चुके हैं कि फिल्म की शूटिंग करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि 100 साल पहले हुई घटना को पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म का निर्माण और निर्देशन अभिक भानु ने किया है। वहीं रवि किशन के पीआरओ रंजन सिन्हा ने बताया कि यह फिल्म रवि किशन देशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की और तब जाकर सच्ची घटना की हकीकत को पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे हैं। इसलिए इस फिल्म को जरूर देखें, यह देशभक्ति से ओतप्रोत है और आज प्रदेशवासियों के समक्ष ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन जरूरी है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।